ओके चलिए शुरू करते हैं। ये एमएस वर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वन लाइनर और मल्टी लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन यह है कि एम एस ऑफिस इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एम एस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एम एस ऑफिस अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि विच इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो देखिए जो एग्जाम में पूछता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है एम एस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको और भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप क्या बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रेज्यूम, बायोग्राफी, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को टाइप करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो कि पेड हैं और अनपेड भी हैं, फ्री वाले भी हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें देखना है, जानना है, एटलीस्ट हमें सभी का नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि एग्जाम में कौन कौन से किसके बारे में पूछता है। ज़्यादातर हमने आपको बताया कि एमएस वर्ड के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दिखा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पूरे पता होना चाहिए कि जितने भी पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, उनके एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए और दो चार जो फेमस हैं उन पर वर्क आना चाहिए, जैसे कि आपका गूगल डॉक्स, एम एस वर्ड, वर्ड परफेक्ट, लिब्रे ऑफिस, ठीक है, और स्टार ऑफिस, जो इनके हैं चार छः के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसे वर्क पता होना चाहिए। बाकी आप अगर नाम आपको पता है तो इतना सफिशियंट है। साथ में ही किस वर्ड का, किस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें देखना है, समझना है, जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है ये, पहला हमने यहाँ पे रखा हुआ है गूगल डॉक्स। यह भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से आप एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, उसी तरह से गूगल डॉक्स भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ऑनलाइन और फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप ऑनलाइन इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं आपको हम यही बता देते हैं। आपको देखिए कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, ब्राउज़र खोलने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए, जीमेल लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि गूगल डॉक्स है तो जीमेल से आपको लॉगिन करना है, जीमेल लॉगिन कर लीजिए और आपको वहाँ पे गूगल पे आपको सर्च करना है गूगल डॉक्स। जैसे ही आप सर्च करोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे सामने दिखाई देगा। आपको अगर ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पे आपको जाना है, तो ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। आप यहां पर अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से आप एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसी तरह से आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप ये देखिए, ठीक है, जैसे कि अभी हम वर्ड में बताए थे आपको, अगर निम्नलिखित कोई भी टेस्ट आपको यूज़ करना है, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे, आर ए एन डी इक्वल टू आर ए एन डी, रेंडम फंक्शन लगा करके एंटर मारते थे तो रेंडमली कोई भी टेस्ट आ जाता था। देखिए इसमें नहीं आ रहा, यानी कि प्रॉपर जिस तरह से आप एम एस वर्ड यूज़ करते थे तो कुछ फंक्शन इसमें काम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए बिन वर्ड में देखिए, एम एस वर्ड ओपन करके देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था कोई भी आप रेंडमली टेस्ट उठा करके देखेंगे, देखना चाहेंगे तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, हमने बताया था आपको इक्वल टू लगाइए और आर ए एन डी लगाइए और एंटर मारिए। देखिए आ रहा है यहाँ पे रेंडमली कोई भी टेस्ट आ जाता है, जबकि यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। नहीं देखिए आपको बाकी सब चीज़ें काम करेंगी, लगभग आपका 80% 90% आपका काम करेगा। ये देखिए नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए आपने यहाँ पे टाइप किया, इसके बाद आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, कलर का, टेक्स्ट का कलर करना है, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। आप अगर अगर आपको फ़ॉन्ट की साइज बढ़ाना है, घटाना है, तो इसके लिए क्या बताया था, कंट्रोल प्लस, शिफ्ट प्लस, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सिंबल बताया था, हाँ ये भी वर्क करेगा आपका, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हो, जैसे मान लो कि अगर आप सिस्टम में नेट चल रहा है लेकिन
एमएस वर्ड नहीं है, एमएस ऑफिस आपने इंस्टॉल करके नहीं रखा है, आप डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो आप यहां पर जाकर के गूगल डॉक्स में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, उसको आप अपने गूगल ड्राइव में या जीमेल पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको फाइल का नाम देना है तो फाइल का नाम क्या है, यहां पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। अभी किस नाम से है ये? किसी नाम से नहीं है, तो यहां पर टाइटल का नाम दे दीजिए, हमने यहां पे दे दिया मान लीजिए एग्जाम युग नाम से, बस आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं, आप बाहर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा इस तरह से, देखिए, हाँ, ठीक है। अगर आपको नाम बदलना है इसका, यहां पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, नाम बदल लीजिए, ठीक है, ये नाम चेंज हो गया। तो ये है आपका गूगल डॉक्स, ठीक है, ऑनलाइन एंड फ्री। इसी तरह से आपका ये है अगला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट, ठीक है, अभी वर्ड ओपन ऑफिस, ये फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस के अंतर्गत आपको क्या मिल जाएगा? राइटर, जिस तरह से एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल मिल जाता है, इसी तरह से ये ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर राइटर, इंप्रेस, कैल्क, मतलब एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत मिल जाएंगी। तो यहां पर ओपन ऑफिस के अंतर्गत ये राइटर है जो कि फ्री है। वर्ड पैड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट रहता है, ठीक है, अगर आप विंडो आर प्रेस करिए और वर्ड पैड टाइप करके एंटर मारिए तो ये वर्ड पैड ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर, ये भी फ्री है। पेजेस, डब्ल्यू पी एस ऑफिस, यानी कि इसके अंतर्गत क्या मिल जाएगा आपको, जैसे कि राइटर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, डब्ल्यू पी एस के अंतर्गत मिल जाएगा। आईबीएम लोटस वर्ड प्रो, नोट पैड, एप्पल आई वर्क, कोरल वर्ड परफेक्ट, ड्रॉप बॉक्स पेपर, ऑनलाइन एंड फ्री है। एमएस वर्ड जैसे कि आपको बता ही दिया, एमएस वर्ड आप यूज ही कर रहे हो, ठीक है। सॉफ्ट मेकर फ्री ऑफिस के अंतर्गत आपको मिलेगा टेक्स्ट मेकर, ये भी फ्री रहता है। एस सूट वर्ड ग्राफ, ये भी फ्री है। सन स्टार ऑफिस, अभी ये डिसकंटिन्यूड है, ठीक है, ऑफलाइन है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद ये है आपका टेक्स्ट टेक्सटाइलस, आईपैड और आईफोन पे यूज होता है। और किंग सॉफ्ट डब्ल्यू पी एस ऑफिस के अंतर्गत राइटर, ये भी फ्री है। यानी कि 19 जो भी आपके ये हैं फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो इनके कम से कम आपको तो नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कर देता है, ठीक है, तो इसके नाम पता होना चाहिए। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है ना, इसको आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एप्लीकेशन फाइल नेम ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है? बिन वर्ड डॉट एक्सई। यानी कि अगर आप एमएस वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो विंडो आर प्रेस करिए, रन पे डब्ल्यू आई एन डब्ल्यू ओ आर डी बिन वर्ड लिखिए और या डॉट एक्सई लिखिए, एंटर मारिए और ये एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है इसके एप्लीकेशन फाइल का नाम बिन वर्ड डॉट एक्सई, यहां पे एक्सई का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, रन होने वाली फाइल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन होते हैं? तो देखिए बहुत सारे होते हैं। देखिए यहां पर जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, मतलब अगर आप एमएस वर्ड फाइल को आप सेव करो तो डिफॉल्ट रूप से जो एक्सटेंशन बनेगा तो वो क्या बनेगा? डॉट डीओसी या डॉट डीओसी एक्स बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर डॉक्यूमेंट फाइल, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन डॉट डीओसी एक्स होता है, ठीक है। माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डीओसी एम होता है। और टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डॉट डीओटी एक्स होता है, और माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डॉट डीओटी एम होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि वी कैन सेव फाइल इन एमएस वर्ड एज डॉट डॉट फाइल टाइप्स। आप एमएस वर्ड में कौन कौन सी प्रकार की फाइल में सेव कर सकते हो, कौन कौन सी प्रकार के फाइल
के माध्यम से सेव कर सकते हो। तो कौन कौन से सेव कर सकते हैं, देखिए हमने बताया कि .docx में भी सेव कर सकते हो, डिफॉल्ट रूप से वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट होता है, ठीक है। इसके बाद आप .docm में क्रिएट कर सकते हैं, .doc, .dotx और .dotm, .dot, .pdf। अगर आप PDF फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप PDF फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इस फाइल को अगर आपको PDF में बनाना है, वर्ड की फाइल है, तो यहाँ पे जाकर के आपको PDF चूज करना पड़ेगा। ये आपको PDF वाला जो ऑप्शन है तो 2007 में नहीं, 2007 से अधिक वाले वर्जन मिलेगा, जैसे कि 2010 से अधिक वाले वर्जन में वाला ऑप्शन को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप MS Word की फाइल PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद XPS डॉक्यूमेंट फाइल ये सपोर्ट करता है, और HTML फाइल, MST फाइल, ठीक है, वेब पेज की फाइल जो होती हैं HTML या STM में होती हैं उसको ये आप सेव कर सकते हैं। सिंगल फाइल पेज यानी कि m.mst.mstml, ठीक है, वेब पेज की जो फाइलें होती हैं .html या .stm, वेब पेज फिल्टर्ड जो फाइल होती है .stm और .html, और रिच टेक्स्ट फाइल RTF, RTF में भी आप इसको एक्सटेंशन में सेव कर सकते हो, और प्लेन टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हो, और XML डॉक्यूमेंट में .xml भी सेव कर सकते हो, ठीक है, XML 2003 वाले वर्जन में XML डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो, और .dot ओपन डॉक्यूमेंट .odt में भी सेव कर सकते हो, वर्क्स डॉक्यूमेंट .wps में भी सेव कर सकते हो आप, ठीक है। तो यानी कि इन डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन के साथ MS Word की फाइल को आप सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें, जैसे मान लीजिए ये MS Word की फाइल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर आपको PDF में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना, तो आप इसको किस में सेव करेंगे, तो यहाँ पर जा करके जैसे हमने यहाँ पे कहा कि हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है, और नोट्स नाम से सेव कर देते हैं, और यहाँ पर PDF में सेव करते हैं, आइए, ठीक है ना, और सेव कर देते हैं। जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये नोट्स में .pdf में कन्वर्ट हो गया है। आप जब आप इसको ओपन करोगे तो ये वर्ड में ओपन नहीं होगा, बल्कि ये आपका PDF रीडर, यानी कि PDF रीडर आपका PDF फाइल को सपोर्ट गूगल क्रोम भी कर लेता है, गूगल क्रोम में भी आप PDF की फाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन में। तो यहाँ पर PDF में भी कन्वर्ट हो गया, तो MS Word में हम PDF फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए PDF फाइल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये जो आपको नोट्स हम आपको बता रहे हैं, ये लिखवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, और सभी लेक्चर्स में आपको हम ये नोट्स कंप्लीट करवाते जाएंगे, एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप एग्जाम के दृष्टि से नहीं छुड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।